जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लुका 10 अध्याय का पहला वचन। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। यहां प्रभु यीशु मसीह उनको दो दो करके आगे जाने के लिए कहा। उन्होंने प्रभु यीशु की बातों को मान के दो दो करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहां वो भेजे थे वहां दो दो करके आगे गए। इसका मतलब यीशु की आज्ञा को वो जैसे कहे वैसे ही करने के लिए वो तैयार हो चुके। इसके पीछे कारण भी है। जब यीशु मसीह आगे जाने के लिए कहा, इसका मतलब जब कहते हैं यीशु मसीह पीछे से नजर रखते हैं, यानी हम सारी बातों का परमेश्वर ध्यान से देखने वाले परमेश्वर है। कितने अद्भुत परमेश्वर है, कितना सौभाग्य की बात है यदि परमेश्वर आपको सेवा में बुलाया है, दो दो करके आप जा रहे हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जहां कहते हैं, वो जब कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसके अनुसार यदि हम करते हैं तो हम एक सौभाग्य के लोग हैं। जी हाँ, परमेश्वर उनके साथ रह के अगुवाई करते हैं और उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगा। इसलिए हमारी सेवा में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पीछे हैं, इसको कभी नहीं भूलना है। लूका 24 अध्याय का 47 वचन में लिखा है, मन फिराओ और पाप की क्षमा के बारे में तुम्हें प्रचार करना है। इसलिए मेरे प्यारों, आपकी सेवा स्थिर रहना है, आपकी सेवा आगे बढ़ना है, परमेश्वर उसको तारीफ करना है, तो पाप की क्षमा और मन फिराव को हमें अत्यंत लोगों के बीच में प्रचार करने की आवश्यकता है। लुका 10 अध्याय का दूसरा वचन में देखिए, और प्रार्थना के बारे में कहता है, हमें प्रार्थना करके सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें प्रार्थना में और आगे बढ़ के करना चाहिए। और लुका रचना सुसमाचार 24 अध्याय का 49 वचन में क्या कहते हैं, वहां पर तुम्हें प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का ताकत के साथ सेवा करने के लिए तुम तैयार रहना। जी हाँ मेरे प्यारों, यदि आप सेवा करना है तो पवित्र आत्मा के ताकत के बगैर सेवा नहीं कर सकते, उनसे सामर्थ्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर की चरणों पर आके हम प्रार्थना दुआ करेंगे और बाढ़ जोते रहेंगे, पवित्र आत्मा का ताकत से हम सेवा करेंगे, तब जरूर प्रतिफल को हम पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।